हमारे धर्म में सर्वाधिक पूजे जाने वाले संकट मोचन हनुमान जी सबसे लोकप्रिय और कलयुग में सब भक्तों की सहायतार्थ माने जाने वाले सभी देवताओं में से एक है। भगवान हनुमान जी को भगवान राम के भक्त के रूप में और उनके साहस तथा दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता है। भगवान हनुमान जी भगवान राम की सेनाओं के प्रमुख थे। इस प्रकार भगवान राम के जीवन में उनका विशेष महत्व है। उनकी निर्भयता पराक्रम ने लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि भगवान हनुमान की पूजा करने से जातक को जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलता है और उन समस्याओं से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। ज्योतिष में भी भगवान हनुमान को पूजे जाने के कई तरीके बताए गए हैं, जिनमें शनि के हर प्रकार के प्रयोग को शांत करने के लिए, यानी कि शनि के बुरे प्रभाव प्रकोप को शांत करने के लिए हनुमान जी के मंत्रों का जाप किया या ब्राह्मणों से करवाया जाता है, जिससे कि हमारे आंतरिक मन को शांति मिलती है और किसी को भी अपने भीतर और आसपास से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी को आंजनेय, अंजनी पुत्र, बजरंगबली, हनुमान, महावीर, मारुति, पवन पुत्र आदि नामों से भी जाना जाता है और हनुमान जी की माता अंजनी हैं। इतिहास में न केवल रावण के साथ उनकी बातचीत और लंका जलाना प्रसिद्ध है, बल्कि हनुमान जी ने जब भगवान शनि को रावण के प्रकोप से बचाया था तो उनके बीच भी विशेष बातचीत हुई थी। रावण ने शनि को पिंजरे में कैद कर लिया, तब हनुमान जी जब लंका में सीता जी से मिलने आए तो उन्होंने शनि को काले कपड़े से ढके एक पिंजरे के अंदर देखा था और ऐसी मान्यता है कि शनि की आंखें में सीधे देखने से दुर्भाग्य आता है, इसलिए पिंजरे को काले कपड़े से ढक दिया गया था। इसके बावजूद भगवान हनुमान ने भगवान शनि को बचाने का फैसला किया और जैसे ही उन्होंने शनिदेव को बचाने के लिए पिंजरा खोला तो शनि की दृष्टि उन पर पड़ गई। हालांकि शनि हनुमान द्वारा बचाए जाने पर उनके प्रति आभारी थे, बावजूद इसके हनुमान जी शनि के दोषों से बच नहीं पाए क्योंकि शनि देव की सीधी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी थी। भगवान हनुमान ने शनि देव को अपने सिर पर विराजमान होने दिया और हनुमान जी निरंतर अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करते थे। अपने सिर की मदद से दुश्मनों को कुचल देते थे और बड़े बड़े पत्थरों को सिर पर उठाते थे। हनुमान जी की इस तरह के क्रियाकलाप से शनिदेव को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अंततः शनिदेव इससे विरक्त हो गए, जिससे उन्होंने हनुमान जी का सिर छोड़ने का निर्णय लिया। इस तरह भगवान शनि के सारी साथी समाप्त हो गई। यहाँ तक कि शनिदेव ने भगवान हनुमान जी को यह आशीर्वाद भी दिया था कि वे जो हनुमान जी की उपासना करेंगे उनके ऊपर साढ़े साथी या शनिदोष का प्रभाव कष्ट नहीं होगा। उसी समय से शनि के हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है और हनुमान जी के विशेष रूप से कई मंत्र दिए गए हैं, जिनके अंदर साबर मंत्र प्रचलित है, जिसके अंदर कई प्रकार के मंत्र है और आज जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ उस मंत्र को मात्र 7 बार उच्चारण करना पड़ता है, बशर्ते इससे पहले इस मंत्र को सिद्ध किया जाना आवश्यक है। मंत्र इस प्रकार है, ओम हनुमते श्री रामदूताय नमः हूम फट। इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करने के पश्चात में यदि किसी भी आवश्यक कार्य के लिए प्रस्थान किया जाए या किसी विपत्ति में पड़ जाने पर इस मंत्र का स्मरण मात्र कर लिया जाए तो किसी न किसी प्रकार से समय हमारे अनुकूल हो ही जाता है, इसमें संदेह नहीं है। बशर्ते व्यक्ति की हनुमान जी के अंदर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए और इस मंत्र को 11 दिन तक निरंतर हनुमान जी के मंदिर में सायंकाल में नित्य 108 बार जप करके सिद्ध किया जाता है। हनुमान जी को लाल रंग की वस्तुएं, लाल पुष्प, लाल प्रसाद, लाल नैवेद्य, लाल वस्त्र अर्पित करके उसके पश्चात लाल ही कपड़ा पहन धारण करके और इस मंत्र का जप करके इसे सिद्ध किया जाता है। 11 दिन या इससे 2-4 दिन अधिक लग सकते हैं और उसके पश्चात यह मंत्र सिद्ध होता है। तत्पश्चात किसी भी आवश्यक कार्य से निकलने से पूर्व इस मंत्र का 7 बार उच्चारण अगर कर लिया जाएगा तो अवश्य ही वह कार्य सफल होगा, इसमें संदेह नहीं है और हर प्रकार की बाधा से हनुमान जी रक्षा करेंगे। धन्यवाद।